कई बहनों चाहती है कि मेरा एक हीरे का गहना बन जाए, चाहती एक नहीं बहनों मेरा एक सुंदर सेट बन जाए, वो कर नहीं पाती है। सही है बहनों, सही है। घर में समृद्धि बढ़ता नहीं है, इसके कारण को समझेंगे तो आगे हम एनर्जी को लेने की आईने की प्रक्रिया, क्वांटम जंपिंग ये सब करना हो तो पहले घर की व्यवस्था को समझें। मैं आपको पूछता हूं, जहां उजाला होगा वहां अंधेरा होगा क्या? जहां अंधेरा है उसको वहां उजाला है क्या? तो आप में कौन कौन समृद्धि चाहते हैं? अच्छा बहनों, अब मैं पूछूं कि पुराने पेपर, फालतू के डिब्बे, प्लास्टिक के जार, ये सब समृद्धि है कि कचरा है? अभी आपने बोला कि जहां अंधेरा है वहां उजाला नहीं होगा, तो इतना सारा अठाला तुम इकट्ठा करके बैठी हो और चाहती हो कि समृद्ध बने, और तुम ही बोलती हो कि अंधेरा जहां होगा वहां उजाला कभी नहीं हो सकता। जब तक कंजूसी करके फालतू चीजों को इकट्ठा करके रखोगी, तब तक इच्छित चीजों को प्राप्त नहीं कर पाओ। पहले यह ध्यान रखना पड़ेगा कि समृद्धि की फ्रीक्वेंसी क्या है। समृद्धि की फ्रीक्वेंसी, माता जी जान तो बाहर जाओ, हाँ जाना तो बाहर जाओ, फ्रीक्वेंसी समृद्धि की क्या है, उस सोच को समझोगे। जहां उत्तम वस्तु है वो लक्ष्मी है, जहां शेष चीजें हैं लक्ष्मी है, लेकिन अपने घर में नया हॉर्लिक्स का बॉटल आ गया, पुराना खाली हॉर्लिक्स का बॉटल हम रखें कोई गलती नहीं है, लेकिन ये बाटल 25 बार तेल भी उसमें भर चुके, रिफाइंड ऑयल भी भर चुके, दुनिया भर का कर चुके, अब इसका ढक्कन इतना गंदा हो गया कि हाथ पकड़े तो अपना हाथ ही काला ऐसे हो रहा है, फिर भी पति बोल रहा अब इसको फेंक दे, नहीं इसको मैं धो के साफ कर लूंगी, आपको कुछ पता नहीं है घर कैसे संभाला जाता है, पता नहीं है। अरे 10 रुपए की चीजों में घर संभालती रहेगी तो 10,000 करोड़ का मजा कब ले सकेगी, जब वो 10,000 करोड़ किसी को आ जाए। कोई आपको मैं पूछता हूं, कोई 10,000 करोड़ के मालकिन हो ऐसे पेट जार में, पुराने कागजों में, टूटे हुए टेबल में, और पुराना व्हाइट एंड ब्लैक का मेरे बाप का दिया हुआ, इसको तो मैं दूंगी नहीं, भले ही इसको मैं शाल ओढ़ा के रखूंगी, कोई 10,000 करोड़ वाला आदमी ऐसे कर सकता है क्या? मैं ये पूछता हूं, तो पहले आपको 10,000 करोड़ की मानसिकता लानी पड़ेगी, फिर ही 10,000 करोड़ ला पाओगे। ध्यान रखो, पहले मन से 10,000 करोड़ वाले बनना पड़ेगा कि कैसे 10,000 करोड़ वाले एक्ट करते हैं। स्टार्ट टू एक्ट फर्स्ट, आफ्टर दैट यू विल एक्ट रियली एज अ मिलियनेयर। आपको पहले वैसे सोचना पड़ेगा कि पैसे वाले कैसे रहते हैं। कोई भी पैसा वाला, ये पुराना प्लास्टिक का डब्बा जिसमें देखो तो वो प्लास्टिक है, प्लास्टिक में तो खाली डब्बे में पीछे का दिखना चाहिए ना, इस प्लास्टिक में आगे का भी नहीं दिखता, हाँ ऐसा काला हो गया। इसको लेके पति आने के पहले साइड में रखेगी कि वो कहीं बोले नहीं, कुछ करे नहीं। और एक ऐसा टेबल घर में जिसका पाया 4 बार टूट चुका है, 3 बार तो कारपेंटर को बुलाया, कोई हाथ जोड़ के इसके ऊपर माता जी इसका रिपेयर ही नहीं होगा, अरे तू क्या आदमी है इसको रिपेयर नहीं कर सकता, मेरी माँ की निशानी है। हाँ उसमें बैठे तो आदमी आके उसमें टीवी देखने बैठता है तो झूला खाता है कृष्ण की तरह, ओके के ये क्या स्टूल है, आपको कुछ मालूम नहीं है, 700 रुपए का बार थोड़ जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। टूटी चीजें, पुरानी चीजें, जो बेकार की चीजें, इसको समेट रहे हो घर में तो दरिद्रता को अच्छे से समेट रहे हो, समझ लेना। जिस दिन इसको उठा के फेंकोगे, बहुत बड़े बनने की ताकत को अपने अंदर पाओगे कि भाई आप मुझे नहीं चाहिए। समझ आ रही है? और किन किन को घर में संपत्ति इकट्ठी नहीं होती, देखो आप किसी घर में गए माता जी, हा आप किसी घर में गए, ये कोई मेरी मां है नहीं फिर भी कहता हूं कि इस किसी घर में गई है, उन्होंने इसका अपमान किया, वापस जाएगी? नहीं। आप में कौन कौन अपमान सहन करके किसी के यहां जाओगे?
सगा भाई भी हो, आदर हो तो ही जाओगे, कि अपमान करे तो भाई के घर में भी कोई बहन नहीं जाती। आ? तो जो जो लोग फंक्शन में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, खूब गहना पहन के जाते हैं, वापस आते समय थक जाते हैं, क्योंकि शादी में सबको दिखाना था। थकते हैं कि नहीं? शादी में गुपचुप जाके आए तो कौन थके, लेकिन ये जाके वहां दसों उंगली में अंगूठी पहनी हुई है, इसलिए जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र भाई, इतना जय इतना सारा जय जिनेन्द्र करने के बाद थकेगी कि नहीं? वही गलती शुरू होती है। आप अगर अपमानित होने जगह पर जाओगे नहीं तो लक्ष्मी कैसे जाएगी? आप क्या करते हो, वापस आते ही साड़ी खोल के कहीं फेंकते हो, कपड़े खोल गहने खोल के, गहने हैं इसलिए तकिए के नीचे रखते हो, दूसरा हो तो उसको भी फेंक दो। लेकिन जो लोग अपने गहनों को खोल के, भाई मैं सुबह रखूंगी लाकर में, अभी मेरे को नींद आ रहा है, ऐसे गहने के नीचे, गहने को लेके तकिए के नीचे रखते हो, कहीं उठा के रखते हो, उनके घर में उसके बाद कभी धन नहीं बढ़ता, आप बोर से देख सकते हैं। क्योंकि सोना मात्र सोना नहीं है, लक्ष्मी का निजी रूप है, और उसका आदर करोगे तो ही घर में सुख बढ़ सकता है। और कई बहनों को, भाइयों को भी, जब चेन नहीं खुल रहा है, कोई कुछ नहीं खुल रहा है, कुछ हो रहा है, तो मुंह से ऐसे उसका हुक निकालने की कोशिश करेगी थूक लगा के। अब कोई आदमी, आप किसी घर में जाओ, आपका चंदन तिलक करके, कुंगू टिक्की करके, फूल माला पहना के, धूप करके स्वागत करे, आपको कैसा लगे? आपको मुंह काट के थूक लगा के परेशान करे? नहीं कह रहा हूं आप समझे, इसलिए कह रहा हूं समझ सको आप बात को, कि क्यों ये नहीं करना। वो नहीं समझाऊं तो आपको समझ नहीं आएगा ना कि क्यों नहीं करना। अब आपको कोई मुंह काटे और थूक लगाए तो आप बोलो कि ये तो क्या, या सुअर की तरह काट रहा है मेरे को। तो जो जो लोग सोने को थूक लगाते हैं, उसके बाद उनके घर में सोना या धन कभी नहीं बढ़ता, ये गारंटी है। और बड़े बड़े पैसे वाले देखोगे आप, तो वो उस प्रकार ही जीते हैं, जितना वो सोफिस्टिकेट हो जाते हैं उसके बाद धन बढ़ने लगता है। आप क्या है, ऐसे सोचते हो कि धन आने के बाद मैं ऐसे जीऊंगा, मेरा ड्रीम ऐसा है। धन कहता है कि पहले जी के बता दे मैं आ जाऊंगा। पहले उस लायक जीना सीखोगे तो ही वो आने वाला है। तुम बोलते हो कि आवे तो जीऊंगा, लेकिन वो भी आप एक आदमी को दुकान में रखते हो तो कुछ उसकी क्वालिटी देख के रखोगे कि ऐसे ही किसी को भी रख दोगे? एक प्यून का इंटरव्यू होता है कि ऐसे ही होगा, क्लर्क का इंटरव्यू होता है कि ऐसे ही होगा, स्टेनोग्राफर का इंटरव्यू होता है कि ऐसे ही होगा, मैनेजर का इंटरव्यू होता है कि ऐसे ही होगा। क्वालिफिकेशन इज नीडेड इवन फॉर ए ऑफिस असिस्टेंट, तो लक्ष्मी के आने के लिए आपको कुछ तो क्वालिफिकेशन होनी पड़ेगी, उसके बगैर कोई आने वाली नहीं। समझ रहे हो? कहीं भी टेबल पर गहना रख दिया, भाई सुबह रखेंगे बाद में देखेंगे, तकिए के नीचे रखने वाले तो बहुत है, कुछ भी खोला रख दिया सो गया, कल देखेंगे आराम से रखेंगे। तो क्या ये तकिए के नीचे डालने वाली वस्तु है? ये पूजने जैसी वस्तु है। कैसी वस्तु है? और तो इसको पूज्य बना देंगे, वो अनंत गुना बन के आएगी घर में। जो इसका अपमान करेंगे उनके घर में ये कभी आता नहीं। अब और कौन कौन है जिनके घर में धन नहीं आता? नहीं, आपका नहीं पूछ रहा हूं, क्या करने से नहीं आता? कारण क्यों धन नहीं आता? जो उधारी लेकर के गहना पहनते हैं, कई ऐसे हैं कि शादियों में जाओ तो सिर से पैर तक लदे हुए हैं, पूरा सीबीआई लगा के चेक करो तो मालूम पड़े कि ये किसी का लेके पहन के आई है। वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मालूम पड़ता है, पड़ोसी का है। उधारी किसी को देने वाले अपनी लक्ष्मी दूसरे को सौंपते हैं,
उधारी किसी से लेने वाले जिंदगी में लक्ष्मी को स्वयं कभी प्राप्त नहीं कर सकते। तो कभी जीवन में जो है अपना वो पहने और संकल्प करें। द्रौपदी ने ये सोच लिया कि जब तक दुर्योधन मरेगा नहीं मैं बाल का जूड़ा नहीं बनाऊंगी। ये प्रतिज्ञा से ही आज भी द्रौपदी पूजी जा रही है। आप भी प्रतिज्ञा करो कि मैं इस प्रकार से मेरे मेहनत से धन आएगा जब ऐसा मोज लूंगी। पड़ोसी के धन से हम क्या मोज लें? प्रतिज्ञावान बने, श्रेष्ठ बने, सर्वोत्तम बने तो कितना मजा आए। भाई लोग मैं देखता हूं चेन को, कई लोग तो खोलना नहीं है, कुछ नहीं है, दुकान में बैठे बैठे मुंह में चेन डाल के ऐसे चबाता रहेगा, टाइम पास करता। मैं ये को देख के पूछा कि चेन इतना जबरदस्त डिजाइन वाला ये किसने बनाया है? वो ऐसे ऐसे शर्माता। मैं क्यों शर्माता? क्या भाई ये तो कोई बड़ा ज्वेलरी वाले की कारीगरी है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा कारीगरी कहीं नहीं देखा, कहाँ से बना? वो बोले मैं दांत चबा चबा के ऐसे डिजाइन हो गए, मेरे दांत चबा चबा के हुआ भाई, स्पेशल एक डिजाइन है मेरा। हाँ, कई लोग मुंह में उंगली डाल के ऐसे ऐसे करते, हाँ दुकान में बैठे बैठे ऐसे ऐसे करेगा, जैसे ही गिरा गया पैसा लेगा गिनेगा। कई लोग नोट को थूक लगा लगा के ऐसे गिनते हैं। लक्ष्मी है, क्या है उसके लिए तो एक पैड आता है, वेटिंग पैड, उसमें से आप पानी लगा के लेके गिनो, कुछ भी गिनो। आप नोट को थूक लगाओगे और दिवाली के दिन उसी की पूजा करोगे। वो बोलती है कि 365 दिन मेरे को तू अछूत करता नहीं, आज मुझे लक्ष्मी दिख रही हूं मैं, तो उसके घर में कभी कोई लक्ष्मी जाने वाली नहीं। पैसे को थूक लगा के गिनो मत। कई लोग तेरी पत्नी को दो थूक लगा के गाल में दे, बाहर भेज देगी। लक्ष्मी तो लगाना दूर, घर वाले भी नहीं सहन कर सकते, लक्ष्मी को कहां लगाएं। तो ये सब आदतें हमारी कहीं जाके समृद्धि में बाधा बन रही है, और इन बाधाओं को सुधारने के बाद जीवन में बाधा ही दूर हो जाएं, फिर आनंद ही आनंद। समझ रहे हो मेरे बच्चों? तीन चामक कौन कौन बनाने वाले? कई भाई भी हाथ ऊंचा की, वो कल जाते ही बनाएंगे। ये तो तुम बोल रहे हो किराना का एक्सपीरियंस, अभी क्यों हाथ उठाया? चमक बनाता है तो अब इतनी बातें मुझे जो कहनी थी। अब एक बात और कहूं कि कई लोगों ने हाथ उठाया हमारे यहां धन नहीं आ रहा है, कोई हाथ उठा रहे मेरे सुख नहीं आ रहा है, कोई हाथ उचा रहे मेरे बच्चे कहने नहीं मान रहे, कोई हाथ उचा रहा मेरा काम काज सही नहीं है। आप कोई भी इच्छा करो, देखो मुझे इस फल को तीर से भेदना है, यह फल है वृक्ष में, मुझे तीर से यह फल को तोड़ना है। तीर अगर शार्प नहीं हो तो क्या होगा? हाँ, और फल हवा में झूल रहा हो तो क्या होगा? तो दो मन हैं। कितने मन हैं? एक आंतरिक चेतना, एक वैश्विक चेतना। क्या है? वैश्विक चेतना यानी गैलेक्सियल, यूनिवर्सल कॉन्शियस। क्या? एक यूनिवर्सल कॉन्शियस है, एक सबकॉन्शियस है। तीर सबकॉन्शियस है, फल यूनिवर्सल कॉन्शियस है। यूनिवर्सल कॉन्शियस हिलता रहेगा तो भी टारगेट नहीं होगा, सबकॉन्शियस में सार्नस नहीं हो तो भी काम नहीं करेगा। अभी कई लोग सोचते हैं कि हम ऐसे बन जाएं, क्यों बंद किया भाई, घबराएगा हवा बगरे, कौन है सब बंद करने वाले, कौन? ए उठ रहे भूपेंद्र, उठ रहे दर्शन भाई, उठो थोड़ा, इसको खोल दो फिर बैठ जाओ, हवा में बैठोगे आपको भी आनंद आएगा। उठो दर्शन भाई, उठो और दरवाजे को पूरा खोल दो और आप इस तरफ आ जाओ हवा में।
आप लोगों ने बोल दिया कि दरवाजे के पीछे झाड़ू रखा जाता है तो दो लोग तुरंत सुन के उधर बैठ गए जाए। हाँ ऐसे खोल के आराम से बैठो ना मेरे भाई। उनको लगा कि अपन तो वही है, अपन वहां बैठ जाए, ऐसा गड़बड़ होता है। चलो मैं क्या बोल रहा था बेटा, देखो आपका कोई भी विचार अगर सफल नहीं हो रहा है तो वो विचार का शार्पनेस वीक है। बस अगर विचार को पावरफुल कर दोगे और उस विचार को वैश्विक चेतना के साथ यूनिवर्सल कॉन्शियस के साथ कनेक्ट कर दोगे तो यूनिवर्सल कॉन्शियस सपोर्ट करें, आपका विचार क्रिएट करें, क्रिएटर और सपोर्टर दोनों मिलके सक्सेसफुल हो जाएं आपका जीवन का हर लक्ष्य। जिस जिस के कुछ भी नहीं हो रहे हैं वो खाली मन से सोचते हैं, क्या सोचते हैं, मैं ऐसा बन जाऊं, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वैसे बनना है, मेरे को ऐसे करना है, ऐसे सोचते हैं। लेकिन रियली वो विचार गाढ़ा बन के सबकॉन्शियस में गया नहीं है। क्या नहीं हुआ है? और कोई भी विचार सबकॉन्शियस में नहीं जाता है वो क्रियान्वित नहीं होगा। सबकॉन्शियस में वही चीज जाता है जो आपका नींद उड़ा देता है। एक विचार विचारते रहते हैं लेकिन उसके बारे में इतनी चिंता नहीं हो, एक विचार वो पूरा नहीं हो रहा इसलिए रात की नींद उड़ रही है, तो धीरे धीरे वो सबकॉन्शियस में जाएगा। फिर वही विचार यूनिवर्सल कॉन्शियस में भी अलाइन होना चाहिए। आप एक विचार कर रहे हो और आपका कर्म आपके लिए एक विचार कर रहा है तो फिर कुछ नहीं होगा। आपका विचार का वैश्विक विचार के साथ सामंजस्य ही कार्य को सफल कर सकता है। समझ रहे हो? अब ऐसा क्या चीज है जिसको करते ही हमारे विचार में शार्पनेस आता है? आपका तीर अगर खराब है जिससे फल टूटना संभव नहीं तो तीर को धार करोगे कि नहीं? तो विचारों को धार करने के प्रोसेस को बोन ब्रीथिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? आप तो अभी श्वास ले रहे हो फेफड़े से। किससे ले रहे हो? फेफड़ा यानी क्या? लंग्स। हाँ, एक प्रकार का एक टेक्निक है, उसको करने के बाद आपका विचार इतना पावरफुल बनता है कि आकाश के अंतिम छोर तक वो विचार की शक्ति तरंग बन के ऊपर जाके वैश्विक विचार में आपके विचार को स्थापित करता है। और जिसने भी यूनिवर्सल कॉन्शियस में खुद की सबकॉन्शियस थॉट को जाके स्थापित कर दिया, एस्टैब्लिश कर दिया, वहां से वरदान के रूप में उसका विचार पूर्ण रूप से साकार बन के वापस आता है। जो सोचा वो पूरा हो जाता है। आपने सोचा इतने के एक झाड़ू है, और तो क्या, झाड़ू में कितनी चीज है, झाड़ू की बताऊं तो लाख बताऊं। देखो कई लोग ऐसे करते हैं, झाड़ू जो घर लाए वो एक प्लास्टिक के तार से बंधा होता है, ऐसे फिर धीरे धीरे वो खुल जाता है। फिर ये बहनें क्या करती है, उसको फटे हुए साड़ी से बांध दें, गागरे के नाड़े से बांध दें। हाँ है, कहीं ना कहीं पुरानी चीजों से बांध दें। झाड़ू के साथ कोई भी पुराना चीज को जोड़ोगे तो व्यापार में नुकसान होगा, 101% होगा। अगर ऐसा ही झाड़ू का जो हैंडल खुल गया है तो कोई नए धागे से, कोई नए ट्वाइन से, नई वस्तु से उसको वापस संवार सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि फेंक दो हर चीज। फेंकने बोलू तो फिर प्रवचन ही सुनने नहीं आओ, इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि फेंकना, लेकिन उसका इज्जत करना सीखो। आपका फटा वस्तु ही लगाने उसको है तो फिर वो वस्तु आपको कभी समृद्धि देने वाला नहीं। और 100% बहने ये करती है, कुछ ना कुछ लेके बांध देगी उसको। अब वो माँ लक्ष्मी की प्रतीक है झाड़ू, तो लक्ष्मी का ये सम्मान हुआ। हाँ, तो ऐसे झाड़ू के बारे में 200 मैसेज बोल सकते हैं अलग अलग, लेकिन वो सब बोलते बैठे तो फिर महंगा पड़ जाए। अब और इस संबंधी बाबत में जो आज हमने बात की, इस संबंधी बाबत में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते। इस संबंधी बाबत में अपना घर का पोती नहीं खोलना। इस संबंधी कोई डाउट है आपको, क्या हमने सुना इसमें, क्या मेरे को डाउट है, जो हम उपयोग करते हैं उस झाड़ू में ही प्राण आता है। यूं तो दुकान वाला 1000 झाड़ू लेके बैठा, वो क्या सबको खड़ा रखेगा? वो कहीं भी रखेगा,
जो उपयोग में आ गया उसके बाद की बात मैंने कही। नई झाड़ू को आप सुला के भी रख दो, कहीं भी रख दो, किसी जगह रख दो, क्योंकि वो अभी अस्तित्व में नहीं है, वो अभी अस्तित्व में नहीं है। जो अस्तित्व में है वो नॉर्थ वेस्ट में होगा और उसकी व्यवस्था होगी। मैं जैसे बोला खड़ा होगा, उसका हैंडल ऊपर होगा, उसका जो झाड़ने का स्थान है वो नीचे की तरफ होगा, ये सब। नया आप कहीं भी रख दो, बनती कोशिश फ्रेश लाया करो। झाड़ू को बहुत सारा लाके क्यों, झाड़ू कोई बहुत बड़ा कोई दुष्काल में नहीं मिले ऐसी कोई चीज है क्या? हाँ, उसको चार छह लाके इकट्ठा करने, एक लाया खत्म हो गया, दो जरूरत है। और खास बात है, जो घर के बाहर जो झाड़ा मारते हैं, घर से बाहर वरांडे में पोर्टिको में, उस झाड़ू को अंदर उपयोग नहीं करना चाहिए। और जो अंदर उपयोग करते हैं वो झाड़ू को लेके बाहर ना ही जाना चाहिए। अगर एक ही झाड़ू से घर और बाहर दोनों तरफ उपयोग करते हैं तो उनके बच्चे आउट ऑफ लाइन हो जाते हैं, ये गारंटी का बात है। वो कहना नहीं मानेंगे वो बच्चे, वो इतना ही कारण है कि वो विपरीतता क्रिएट करता है। और सब ये करते हैं, बाहर के लिए एक अलग झाड़ू रखो, कहां के लिए, अंदर के लिए एक अलग झाड़ू रखो। जब तीन झाड़ू, भैया बोल रहे तीन झाड़ू लाया, फिर करना क्या है तीन झाड़ू? हाँ, एक झाड़ू अपने पति या पत्नी को साफ करने रखो और दो झाड़ू से अंदर बाहर सफाई करो। हाँ, जितेंद्र कितना खुश होता है, देखो एक पत्नी को साफ करो बोलते, कितना आइडिया दे दिया गुरु महाराज ने। झाड़ू से ही मकड़ी का जाल भी साफ करना, सब चीज। लेकिन कुछ भी साफ करो, आप सिंक में डायरेक्ट धो सकते हो उस गंदगी को निकालें। वैसे नहीं निकल रहा है तो हाथ से ही निकालना, उसको किसी जगह पटक के उसको साफ नहीं करना है। अगर ऐसे पटक रहे हो तो घर में वास्तु दोष होता है और सब मारते ही हैं पकड़ के। लक्ष्मी को मार के सुखाएं, कितने लोगों को लक्ष्मी को मार के सुखाने वाली है। ओ गिरता रहे, देखो आप झाड़ू प्रथम उपयोग करने के पहले उसको नमन करके कि मेरा घर शुद्ध रहे, इससे मेरे घर में लक्ष्मी का प्रवेश हो, मेरे घर की समृद्धि सुख में तेरा मेरे को पूरा सहयोग मिले, ऐसा प्रार्थना करके झाड़ू का उपयोग करोगे तो लक्ष्मी के आने की पॉसिबिलिटियां बढ़ जाती है। पूछिए संजय भाई। नल तो मैंने ये बताया था कि हम नल में कोई भी चीज डालते हैं तो वो चीज को नल खोलते ही वो निकालता है। नल में कोई कंडीशन नहीं है कि यही डालो वो डालो, नल कुछ नहीं बोलता। आपने नल खोला, अगर ऊपर गुलाब जल है तो नल क्या देगा? हाँ, तो मैं आईने के लिए कह रहा था कि आईना भी ऐसा ही है। आपके घर में जो ऊर्जा है उसको 16,000 गुना करने का काम आईना करता है, इसलिए सावधान होकर आईनाओं का उपयोग करें। ऐसा मेरा कहने का नल का यही तात्पर्य था कि हम आईने को बेडरूम में ना रखें। नंबर वन, रखें तो पर्दा डाल के रखें। जिसके घर में बेडरूम में आईना है उन स्त्रियों को कमर का दर्द, घुटने का दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द होने की संभावना 99% है। कोई एक बलवान औरत हो जो रोज बादाम खाती हो वो अलग बात। हाँ, आईना, मैं बोला ना ईस्ट आर नॉर्थ, बाथरूम में भी यही है। बाथरूम में अगर रख रहे हो, बाथरूम के ईस्ट वाल में पॉसिबल नहीं है तो नॉर्थ वाल में आईना रखिए। बोलो बेटा, वही मैं बोला ना अलमारी के दरवाजे पर जो आईना है उसके ऊपर दो स्टिकर के आजकल हैंग छोटे छोटे हुक आने लग गए, स्टिकर हुक, स्टिकर के हुक लगा सकते हैं। उसमें एक स्प्रिंग का तार लगा के उस पर पर्दा डाल दो, वो चलता है, चलता है, पर्दा डाल दो फिर। हाँ, नहीं नहीं सिर्फ बेडरूम में पर्दा, सिर्फ बेडरूम में डालना आईने का, पूरा घर में पर्दा डालना नहीं है। बेडरूम में नहीं होना चाहिए, अगर है तो पर्दा डालना है, है ही नहीं तो कोई टेंशन नहीं, होना नहीं चाहिए था और है इसलिए पर्दा डालना है। समझ रहे हो ना पर्दा क्यों डालना? एक मिनट। हाँ बोल माता जी। लाल, देखो घर मंदिर में आप लोगों ने सुना होगा, हमारे यहां तो मैं जानता हूं, यहां पता नहीं, दक्षिण में कोई भी मौत मरगत में जाके आते हैं आधे के बाद सोने का पानी छांटते,
तो वो पानी जो सोने का पानी है नेगेटिविटी डिसकनेक्टर है। एक्चुअली सोना नेगेटिविटी डिसकनेक्टर है। हमारे जैन मंदिरों में वीर विजय जी ने श्रात्र विधान में कल्याण कलिका में लिखा है कि जैन मंदिर पूजा करने जाता है तो कम से कम पूजा की उंगली में एक अंगूठी तो भी होना चाहिए। वो इसीलिए ही है कि पूजा से जो एनर्जी मिलती है आपको, ये मेटल कंडक्टर होने के कारण उस एनर्जी को डायरेक्ट हार्ट में ट्रांसफर करेगा। तो नवांगी पूजा करने वाले को अगर हाथ में उंगली में अंगूठी है और बराबर साइंटिफिकली पूजा करता है तो कभी हार्ट ब्लॉक या हार्ट अटैक का चांस ही नहीं हो सकता। और साइंटिफिक है तो इसलिए मैं सबको कहता हूं, घर के मंदिर में भी सुनहरी वस्त्र का, सोनेरी जरी का, वो असली सोने का नहीं, सोने की जरी टाइप का लाल वस्त्र आता ना, उसी का पर्दा घर में देवों के सामने रखा करो, जिससे कोई भी सूतक हो, सोने के रंग में सूतक को मारने की शक्ति होती है। इसीलिए हम सोने का पानी छांटते हैं सिर पर मौत मरगत में, क्योंकि मरगत में जाके आते हैं तो सूतक की नेगेटिविटी हमारे पास रहती है। जैसे ही वो पानी छांटा वो नेगेटिविटी डिस्कनेक्ट होता है, डिस्चार्ज होता है। इसलिए हमको घर में सब जगह जहां देवता बैठाए हैं उधर सोनेरी जरी के वस्त्र का पर्दा जरूर लगा के रखना चाहिए, जिससे घर में दोष ही नहीं होता। जिस घर में पर्दा नहीं है उस घर में कुछ न कुछ विडंबना दुख है। अब आप लोग एक छोटे बच्चे को इतना सारा पोती दे के भेजते हो स्कूल में, वो दुनिया भर का सोशल साइंस, मैथ्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज दुनिया भर का सीखता है। फालतू की चीजों भी इतना पुस्तक सीख के उस बच्चे के भेजे में घुसता, तब जाके वो एक आदमी समाज में बन पाता है। तो घर कैसा होना चाहिए, ये भेजे में जो नहीं घुसता वो घर को स्वर्ग कैसे बना पाएगा। आपको मैं ये पूछना चाहता हूं कि बगैर ज्ञान घर घर कैसे होगा। तो कल से आप दो दिन से इन ज्ञान को पा रहे हो और आगे व्यापार के संबंधी जगह में कल मैंने बताया कि अगर व्यापार में रोड वेस्ट साइड हो तो नेचुरली नॉर्थ साइड फेसिंग होगा ज्यादातर, तो सब साइड गल्ला खुलेगा, तो वेस्ट साइड भी एक छोटा सा एक पैसे का डिब्बा होना जरूरी है। ऐसे हमने कल ऋषभ चौधरी को एग्जाम्पल बता के कल बताया था। तो हमारे दुकानें विभिन्न दिशाओं में होती है कि नहीं। तो हर व्यक्ति चाहता है कि किसी भी दिशा में हो मेरा धंधा चले, चाहता है कि नहीं। तो दुकान कैसी हो, कैसे हम उसमें सिस्टम सेट करते हैं, क्या होता है, ये चीजें भी कल हो जाएगी। और कोई पूछना था, किसी का बाकी था, बोलिए डॉक्टर साहब। देखो कई लोग आजकल बेड भी ऐसे लाते हैं, बेड जिसमें ग्लास लगे रहते हैं, वो सोचते हैं कि देखो मेरा बेड ताजमहल के मुमताज का, शाहजहां का जैसा मेरा ये बेड है। लेकिन ऐसे कांच वाला बेड पर जो भी सोएंगे वो निश्चित ही रीढ़ की हड्डी के बीमारी से ग्रसित होंगे, क्योंकि जब वो सोते हैं तो ये ग्लास उनकी एनर्जी को ग्रास्प कर लेता है। खाओ पीवो नींद लो सब एनर्जी को कांच खींचता ही रहेगा। और मंदिर में भी, मंदिर के पूजा कमरे के अंदर रखा हुआ कांच ही पूजनीय माना जाएगा। बाहर लगाया है तो उल्टा वो देवों की शक्ति को खुद में खींच के देवों को नीरस बना देगा। चप्पल घर के बाहर छोड़ो और चप्पल को लाके पूजा रूम में रख दो तो क्या फर्क पड़ेगा, वही फर्क कांच को मंदिर के अंदर और बाहर रखो तो पड़ेगा। मंदिर के अंदर छोटा सा कांच रखते हो, समझो 10 पीढ़ी पहले आपके पूर्वज किसी देवी की पूजा करते थे, फिर बाद में धीरे धीरे वो कोई भूल गए, उनको आगे वालों को मालूम भी नहीं है कि ऐसी कोई देवी है, लेकिन वो देवी सोचती है कि ये लोग मेरी पूजा सेवा नहीं करते। वो कांच में जब देखने आती है, खुद को देखती है तो समझ लेती है कि मैं भी हूं यहां। तो जो देव दोष, पितृ दोष, गुरु दोष, श्राप दोष, सर्प दोष, नाग दोष, भाव दोष और क्रिया दोष, अपराध दोष और विभिन्न प्रकार के स्थापित दोष, ये सभी दोषों का एक कांच में निवारण होता है। एक छोटा सा कांच रखें तो पूर्वज भी, ऋषि दोष भी खत्म होता है। गुरु का कोई श्राप हो, पूर्वज पितृ लोग हो, वो सोचते हो कि मेरे घर में मेरी सेवा करेंगे, हम लोग उनका ध्यान नहीं दिया हो
तो ये काच रखने से पितृ दोष भी निवृत्त होता है, एक ही काच में सब हो जाता है। इसके लिए अलग अलग, वैसे तो फिर 33 करोड़ काच रखने पड़ेंगे। अभी 33 करोड़ कहाँ, बोलो भाई। रख सकते हैं ऑफिस में, कार्यालय में भी काच रख सकते हैं, ऑफिस के कार्यालय में भी पर्दा लगा सकते हैं, ऑफिस के कार्यालय में अधिक मूर्तियां रखने की जरूरत नहीं है। ऑफिस में ज्यादातर एक गणेश जी हो गए, एक इष्ट देवता हो गए, ऐसे कोई बस, क्योंकि वहां काफी सेवा थोड़ी हो पाएगी, लिमिट से रखें। पीछे आप बोलो भाई, बोलो बोलो। साउथ में काच नहीं होना है, काच तो ईस्ट या नॉर्थ में ही होगा। थर्ड ऑप्शन है वेस्ट में, थर्ड अनअवॉइडेबल ऑप्शन। साउथ में काच भी नहीं होगा, गड़ी भी नहीं होगी, साउथ में ऐसी कोई चीज नहीं होगी तो आदरणीय है, आदरणीय वस्तु नहीं रहेगी। और बहुत सरल उपाय है, क्रू ड्राइवर लें और सब खोलें। एक मिनट ठहरो, मैं कुछ बोलना चाहता हूं, ठहरो। अब आपके पास 10 मिनट टाइम है क्या? सुन लो मेरी बात, 10 मिनट टाइम है तो सुन। मैं मेरी साधना आधी छोड़ के आए, मेरे पुष्प पड़े 1000 अभी बाकी मेरे को करना। आप मेरी बात सुन लो, आपको एक अच्छी बात बताता हूं। ये थोड़ी लंबी बात है, 10 मिनट लगेगी, लेकिन ये सुनने के बाद काफी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी माइंड में। आप इसको सुनो, लिखने जैसा अभी कुछ नहीं, आप सुने हुए हैं, आप शांति से सुनो। ये जो मनुष्य शरीर है, ये स्थूल शरीर है। क्या है? स्थूल यानी मेटा बॉडी कहते हैं इंग्लिश में। क्या? मेटा बॉडी यानी मेटल्स मिनरल्स कई चीजों से बना हुआ। ये इस शरीर में आयरन है, जिंक है, बॉस्परस है, कैल्शियम है। इससे क्या होता है कि ये गनिज पदार्थों से बना होने से ये चक्षु से दिखता है ये शरीर, क्योंकि ये डेंसिटिव मिनरल से बना है। किससे बना है? देवों का शरीर देखोगे तो वो तेज कणों से बना है जो इनविजिबल है, अदृश्य। अपना शरीर को आंख से देख सकते, उनका शरीर को कोई दैविक शक्ति देख सकती है। अब अपना शरीर स्थूल है तो हम खाते हैं रोटी खाना, हम खाते हैं तो हमारे को हजम होता है, जो वेस्टेज है वो मलमूत्र बन के निकल जाता है, जो उसमें जो शक्ति पुंज है वो खून बन जाता है, मज्जा बन जाता है, वीर्य बन जाता है, ऐसे कन्वर्ट होता है। अब आपको खाने के बाद जब हजम हो जाता है और मल निकल जाता है, वापस खाना पड़ता है या एक बार खाए हुए से लाइफ टाइम चलता है आपकी गाड़ी? यानी आपकी एनर्जी निकलती है तो वापस उसको री एनर्जाइज करना पड़ता है। आप खाते हो मींस एनर्जी देते हो ना शरीर को, उतना ही बात है ना। तो आप देवों का देखा होगा आपने रूप के, कृष्ण का फोटो, राधा का फोटो, गणपति का फोटो और पद्मावती का फोटो, तो पीछे एक ज्योति दिखाया है। सब फोटो कैलेंडर में एक ज्योति होती है कि नहीं? आवाज आ रहा है? तो ये ज्योति ऊर्जा के रूप में प्रकाश निकल रहा है। अब पानी को गर्म करोगे तो पानी बाफ बनेगा 100 डिग्री के बाद। तो जब वो 100 डिग्री के बाद उसका स्टीमिंग चालू हो जाता है, वेपर होना, तो वो बाफ बनते बनते पानी का स्तर वैसे ही रहेगा कि बाफ बनते बनते धीरे धीरे पानी घटता जाएगा? हाँ। तो अब ये देवों के शरीर में रोशनी निकलती जा रही है, तो बाफ निकलेगा तो कुछ घटता है,
ये देवों की शरीर से पूरी रोशनी निकल के खत्म हो जाएं, उसी को देव वायु की समाप्ति बोलते हैं। जिनके शरीर से रोशनी खत्म हो चुकी है वो बल्फुस्ट, क्या है समझ रहे हो बात? लेकिन आप बोलते हो कि मेरे कार में मैं डीजल डालता हूं तो मेरी गाड़ी वापस चलने लगती है, मेरे पेट में मैं फूड डालता हूं तो मेरी गाड़ी वापस चलने लगती है। तो पूर्व आचार्य ऋषि मुनि प्राचीन हजारों साल पहले विचार करते हैं कि ये देवों के शरीर से प्रकाश जा रहा है। क्या जा रहा है? प्रकाश। अब ये प्रकाश जा रहा है, वो भाई के सवाल का जवाब है जिनको मैंने स्क्रू ड्राइवर लेने बोला, उनके लिए ये बात है कि अब ये प्रकाश जा रहा है तो बाफ की तरह कुछ कम पड़ रहा है, लेकिन हमारी गाड़ी रोटी से चलती है, मारुति गाड़ी पेट्रोल से चल जाती है वापस। तो ये देवों के शरीर के लिए भी कुछ तो होगा जो इस प्रकाश को प्रोड्यूस कर सकता है, कुछ तो होगा जिसको डालने से वो प्रकाश निकलेगा। रोटी तो डाल नहीं सकते। जो देखो आप लोग जो नैवेद्य चढ़ाते हो, खीर चढ़ाओ, पूड़ी चढ़ाओ, नवरात्रि में लापसी, वो गरम गरम होना बहुत जरूरी है, उसमें से बाफ निकलना जरूरी है, क्योंकि देवता सूक्ष्म शरीरी होने से आपकी पूड़ी खाने वाले नहीं, खीर नारियल केला खाने वाले नहीं है। फिर क्या होता है वो बाद में देखेंगे। अब बात, जब प्रकाश निकलती जा रही है तो कुछ खत्म हो रहा है, तो वापस क्या डालेंगे? आप तो रोटी डाल लिए, सरापा में जाके डोसा डाल लिया, घड़ी घड़ी इसलिए कहता हूं कि उस पीड़ा को छोड़ दो। मैं तो भगवान को पूछा कि अब क्या होगा सबका, तो भगवान ने मुझे कहा कि ये 56 दुकानों के भीड़ में, सरापा के भीड़ में जाके खड़ेगा तो कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकता है, चांसेस है, क्योंकि भीड़ में जावे तो होना है, तो सावधान रहो, सब बहुत सावधान रहना। जो जहां जहां भटक रहे हो, सिर्फ ऐसे सत्संग में आओगे तो एंटीवायरस मिलेगा। अब हमारे ऋषि मुनियों ने विचार किया कि इनके शरीर में क्या डालें तो ये गाड़ी वापस चल सकती है, क्योंकि ये तो स्थूल शरीर तो है नहीं कि रोटी डाल दो, ये तो परमाणुओं से बनी हुई, सूक्ष्म कणों से बनी हुई, तेज कणों से बनी हुई एक शरीर है, तो क्या डालें इसमें? तो उन्होंने बहुत सारी शोध की, तो उनको मालूम पड़ा कि अग्निदेव जो है उसके शरीर का तेज, अग्नि तेजस्वी है ना, आप लोगों में कितने लोग अग्नि में हाथ डाल सकते हो, क्योंकि वो तेजस्वी है, इतना ही तेज देवों में, कितना तेज, अग्नि जितने तेज हैं देवों में। कहीं अभी परसों एक भाई पूछा मेरे को कि गुरुदेव फिर वो नाच रहे हैं, बोलो क्या, भैरव जैसे नाच रहे हैं। परसों ऐसी बात हुई ना, उसको मैं बोलना भूल गया कि भैरव के शरीर के बारे में भैरव पुराण में दिखाया है के भैरव का शरीर 1,000 करोड़ सूर्य जितना प्रकाश और तेज रखता है। वो भैरव पुराण में है लिखा हुआ, मैं साक्षी से दिखा सकता हूं। एक सूर्य जो करोड़ों माइल दूर है, यहां अपने को जला रहा है, वो एक सूर्य के अंदर घुसेंगे एक माइक्रोसेकंड में बस हो जाएंगे, तो 1,000 करोड़ सूर्य का तेज वाला भैरव अगर किसी शरीर में घुसे तो क्या होगा? उसी दिन मुझे पूछना था, ये जो भैरव आ रहे जैसे डांस करते हैं तो क्या भैरव ऐसा क्यों, कैल्विनेटर फ्रिज थोड़ी है कि घुसे तो ठंडा लगेगा, क्या भैरव वोल्टास फ्रिज है जो घुसे तो आनंद आ रहा है कि घुस जाऊं, ये तो ऐसी शक्ति है कि घुसे तो भस्म कर देगा। तो ऋषि मुनियों ने देखा कि अग्नि जितना तेज इस देवों में है तो अग्नि से कुछ काम हो सकता है, क्योंकि अग्नि देखो ये सूर्य अग्नि रूपी है, निरंतर स्वयं प्रकाश दे रहा है कि नहीं, तो देवों में प्रकाश का अग्नि कारण बन सकता है, ऐसे ऋषियों को लगा। फिर अग्नि से जाके सब खड़े होकर पूछने लगे कि अब इतने देवता हैं, देवता कोई कम नहीं है, 33 करोड़ वर्ग है, 33 करोड़ लोग नहीं, आपको ऐसे लगे कि 33 करोड़ लोग है तो ब्रह्म उड़ा दो, एक ही देवता के करोड़ों सेवक भी है। लक्ष्मी का मैं हरदम बताता हूं ना, 1,000, 1,50,000, 20,000, 120 लक्ष्मी के सेवक कितने हैं, 1,50,000, 20,000, 120 देवता, हर बार बताता हूं कि नहीं, तो ऐसे कितने असंख्यात अनंत हजार करोड़ सेवक हैं, 33 करोड़ तो सेक्टर्स हैं अलग अलग, 33 करोड़ क्या है,
उसमें कितने तो इतने देवों को शक्ति कैसे पहुंचाया जाए? तो अग्नि कहते हैं देखो मेरे अंदर जो शक्ति उत्पन्न हो रही है, भारत में गाय को माता क्यों माना जाता है और गौ माता के रूप में पूजते हैं, इसका कारण मात्र हम उसका दूध पीते हैं ये नहीं है। अब समझोगे वो बात, जब आप घी का दीपक करते हो, क्या करते हो, अग्नि को जलाते हो, तो जो अग्नि है वो घी को खत्म करता है, धीरे धीरे घी खत्म होता जाता है कि नहीं? तो आपने आज सच सोचा नहीं कि ये खत्म क्यों हो रहा, ना गया कहां, हम तो राजी होके दिया जला रहे हैं, भाई हमने दिया जला दिया, हमने दीपक प्रकट कर दिया, लेकिन जो घी अग्नि में संपर्कित होकर के खत्म हो रहा है, वो घी का कण अग्नि का तेज परमाणु बन के सामने जो फोटो या मूर्ति रखी है उनके शरीर में वो प्रकाश का तेज बन जाता है, जो प्रकाश निकल रहा है उसको आपने वापस दिया, इसलिए वो दिए से देवता प्रसन्न होकर आप पर उपकार करना शुरू किया। समझ रहे हो? इसके लिए अग्नि ने कहा कि तुम जहां बुलाओगे वहां मैं रहूंगा, लेकिन देवता विभिन्न स्थानों में रहेंगे, उन तक ये शक्ति को पहुंचाएगा कौन? तो सबने हाथ जोड़ा कि आपको करना पड़ेगा। अग्नि देव दयालु होकर के कहें कि मेरी दो पत्नियों में स्वाहा देवी और स्वदा देवी, इन दोनों को मैं आदेश करूंगा कि जहां मैं खड़ा हूं वहां से जिसका नाम लिया जा रहा है उन देवों तक शक्ति पहुंचाने का काम स्वाहा देवी करें, पितरों तक शक्ति पहुंचाने का काम स्वदा देवी करें। अब मणिभद्र का हवन हो रहा है, अग्नि हमने जला दिया, घी डाल के मणिभद्राय स्वाहा, आज तक पूरा पंडित बोल रहा है, दुनिया बोल रहा है, उसको मालूम नहीं क्यों बोल रहा है, वो स्वाहा देवी को कह रहा है कि मणिभद्र की ये शक्ति पहुंचा दे ताकि मणिभद्र का आशीर्वाद मुझे मिल जाए। ए स्वाहा देवी, जब पितरों का कर्म होता है तो पंडित स्वदा बोलता है, कोई पितृ कर्म किया हो किस जिसको पता हो कि पितृ कर्म करते तो पितृ कर्म में पंडित बोलता है ओम सोहन लाल स्वदा, ओम मानक देवी स्वदा, तो स्वदा देवी पितरों तक वो शक्ति पहुंचा, पितृमंडल में जाने का परमिशन स्वदा देवी को मिला, देवलोक में जाने का परमिशन। तो अब हवन में देखो तो लकड़ियां जला दी जाती है, घी डाल डाल के स्वाहा स्वाहा की जाती है, तो मनुष्य समाज जाके वंदन किया ऋषि मुनियों को कि हम तो इतने लोग रोज हवन नहीं कर सकते, फिर हमको कैसे देव कृपा मिलेगी? तो ऋषि मुनियों ने बताया कि हवन में नीचे आग लगाया जाता है, ऊपर से घी डाला जाता है, नीचे आग और ऊपर घी देवों को पहुंच जाता है, तुम दीपक करो उसमें नीचे घी होगा और ऊपर आग, उसमें भी देवों तक वो शक्ति पहुंचेगा, वो दीपक के नाम से आपके घर में मिनी हवन होता रहेगा और आपका कल्याण होता रहेगा। अब इस प्रकार से देवों को शक्ति देने की प्रोसेस शुरू हुई। अब इसमें तकलीफ कहां आई, जब हम लोभी हुए। क्या हुए? लोभी कैसे? एक घर में 15-15 मूर्ति, 15-15 फोटो। अब हमने एक अभय जी बागरेचा ने एक लेटर लिखा, प्रिय मंडल के सदस्यों आप सब कैसे हो, गुरुदेव आने वाले हैं, अपने को अच्छे से तैयारी करना है, महिला मंडल के अध्यक्ष अर्पिता को भी व्यवस्थित सावधानी करा दें ताकि व्यवस्थाएं बढ़िया बने, एयरपोर्ट में अपने को कम से कम 1000 लोगों को स्वागत करने जाना, ऐसा सब लिख दिया। अब ऊपर एड्रेस में जहां टू एड्रेस होता है वहां धर्मचंद लूनावत, अजय कटारिया, अरविंद बाटिया, जितेंद्र बापना, ऐसे 9 नाम लिख के डाल दिया पोस्ट बॉक्स में। अब ये किसको पहुंचेगा? रिटर्न टू सेंडर। अब इस समाज को मैं पूछना चाहता हूं, आज इतने ज्ञानी हो कहते हो कि एक एड्रेस पर 9 नाम लिख दें तो वो कागज किसी को नहीं पहुंचेगा, इतना ज्ञान रखने वाला समाज एक दीपक जला के 9 मूर्तियों को सामने रखता है, वो किसको पहुंचेगा, ये मैं पूछना चाहता हूं। 15 मूर्ति रख ली,
एक दीपक रखोगे तो अग्नि से देव के श्राप के भागी बनोगे, क्योंकि उनको मन में लगता है कि मैं किसी को भी पहुंचाऊंगा तो दूसरे देवता नाराज होंगे कि भाई ये इसका तरफा सपोर्ट ले रहा है, मेरे को छोड़ा। तो अग्नि देव के गुस्से के पात्र बनते हैं जो 15 मूर्ति रखते हैं। ये आप ज्यादा मूर्ति का क्या पूछा, तो अब इतनी बड़ी कहानी वहां से शुरू करनी पड़ी जहां देवताओं से प्रकाश कैसे आ रहा है, दिया क्यों जलाते हैं, क्या कारण है। इसलिए ये शुरू करना पड़ा कि आप पूरा बराबर समझो कि हम क्यों बहुत सारा रखना नहीं। 10 बच्चे जिनते हो तो 10 बच्चे को पालने की शक्ति हो तो जिनोगे कि 5-6 का गर्दन मरोड़ के रोड में फेंकोगे। आजकल बहने बोलती है हमको एक बच्चे बाप जी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता, कितनी परेशानी है। अरे तेरे एक संसारी बच्चे को पालने में तेरे को दिक्कत आता है तो वैकुंठ में रहने वाले 25 विष्णु को कैसे पालोगे, संभाल नहीं सकते, कैसे संभालोगे इतना सारा रख के। आपकी एक पत्नी घर संभाल रही है कि नहीं, एक दुकान से रोटी मिल रहा कि नहीं, एक गुरु से ज्ञान मिल रहा कि नहीं, तो घर में 25 देवता की क्या जरूरत आई, मैं समाज को पूछना चाहता हूं। अब एक छोटी सी बात बताऊं तो मजा आवे सबको, बताऊं। हमारे अजय जी कटारिया ने मुझे बोला घर में पगलिया करो, बहुत विनती की कई बार, तो मैंने भी थोड़ी दयावश कहा चलो आज थोड़ा टाइम है तो रात में 2 बजे, क्योंकि 3 बजे या 4 बजे, 5 बजे, 4:30 जाना हुआ क्योंकि टाइम ही नहीं। गया और गई भी जाऊं तो पहले वो मंदिर में ले जाते हैं मुझे, क्योंकि साधक होने से वो मंदिर में दर्शन कराते हैं, बाप जी दर्शन करो यहां सब ठीक तो है। वहां दर्शन किया तो मैंने देखा कि पद्मावती देवी ऐसे ऐसे कर रही है। मेरे को लगा कि माँ तू क्या सबको डांस सिखा रही है यहाँ, या डांस टीचर बन गई क्या, माँ तू क्या डांस कर रही है। माँ कहती है बेटा मैं डांस नहीं कर रही हूँ, मेरी कहानी सुन, ये अजय कटारिया को तूने कृष्णगिरी बुलाया कि माँ आके आशीर्वाद ले, वो तेरे पास आया वहां का चमत्कार देखा कि पैसे बरस रहे हैं, कुंकू बरस रहा है, देवी की कृपा से लाखों लोगों को बच्चे हुए हैं, लाखों लोगों का घर परिवार सुधर गया, खुश हो गया और एक 6 इंच का फोटो मेरा लेके घर आया। कौन बोल रही है ये कहानी, मैं नहीं बोल रहा हूं, माँ बोल रही है, सुनो। अब वो 6 इंच का फोटो लेके घर आया, मैं भी खुश हुई कि चलो मुझे ले जा रहा है तो इसके घर में कल्याण हो। तो अब घर लेके मेरे को घर में मैंने देखा कि 12 इंच का गोखला था, कितना उसमें मेरे को रखा, इस तरफ 3 इंच है, इस तरफ 3 इंच खुला है, फ्री बैठी थी आराम से हवा खा रही हूं। मैंने देखा भाई मेरा 12 इंच का गोखला है, अजय का बेडरूम भी 12 इंच का होगा, देखूं थोड़ा झांक के देखा तो देखा उसका तो बेडरूम 20x16 का है और मेरा गोखला 12 इंच का। फिर भी मैंने सोचा कोई बात नहीं, संसारी है ऐसे ही ना समझे, इसी में रहेंगे, कोई बात नहीं, मैं आराम से बैठी थी। इतने में इसकी बेटी अमेरिका से पढ़ के वापस आई तो तुरंत बेटी के लिए एक अलग बेडरूम बनाया और बेटी को कहता यू आर फ्रॉम अमेरिका, यू आर रिटर्न फ्रॉम अमेरिका, सो यू शुड हैव अ लैविश लाइफ एंड अ गुड ड्रेसिंग टेबल, स्टडी टेबल, डाइनिंग टेबल, ऐसे पूरा सजाया। कौन बोल रही है कहानी, तो माँ कहती है कि मैंने सोचा देखो मैं घर आने के बाद घर का और एक्सटेंशन हो रहा है, बेटरमेंट हो रहा है, खूब आनंद से रहने दो मेरे बच्चे, मैं और आशीर्वाद देके खुश हो रही हूँ कि घर में डेवलपमेंट हो रहा है। इतने में वसंत विजयी तेरा ही मांगलिक नाकुड़ा में हो गया 31 दिसंबर को और ये अजय कटारिया वहां पहुंच गया, कहां पहुंच गया और उधर क्या नाकोड़ा, डम 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 डमरू बजे, डमरू बजे, मारे भैरूनाथ की पायल बजे, मेरे भैरूनाथ की पायल बजे। अबे ऐसे भैरो जो नाकोड़ा में वसंत विजय 10 वर्षों से नया साल का मंगलिक 50,000 लोगों में करता है, तो उस जगह में अजय कटारिया देखे के भैरव मूछी वाला, ये मेरा भैरू नकोड़ा वाला, खोले सबके किस्म का ताला। अभी देखते ही कटारिया को लगे कि अरे ऐसा चमत्कारी जगह जहां गुरुदेव खुद आके मंगलिक दे रहे, तो यहां से एक फोटो ले जाके घर में भैरू जी का लगाना, 6 इंच का फोटो ले आया। माँ कहती है ये कहानी, मैं नहीं, बराबर सुनो,
माँ कहती है कि जब बेटी आई यूएस रिटर्न होके, उसके लिए ये कमरा बनाने वाला मैं यहीं से अपने अवध्यान से देख रही हूं कि वो नाकड़ा में फोटू खरीद रहा है। मैंने सोचा कि जब बेटी के लिए कमरा बना रहा है तो भैरू के लिए भी एक गोखला बनाएगा, उसमें क्या है। जिस आदमी को इतनी बुद्धि है कि मेरी बेटी को अलग रखना चाहिए, तो उसको इतनी बुद्धि भी होगी कि भैरू को भी अलग रखूं, तो जरूर एक गोखला बनाएगा। मुझे क्या पड़ा, लाने दो। लेकिन हाय रे जुल्मदार संसार, जैसे ही वो नाकोड़ा भैरव को लेके आया, मेरी फोटो को ऐसे धक्का मारा और उसको भी उसी में छोड़ दिया। 12 इंच में हम 12 इंच में फिट होके बैठ गए, हाय राम करते। अब मैंने देखा बेटी के लिए अलग कमरा, बेटे के लिए अलग कमरा, परिवार के लिए अलग कमरा, और हम लोगों को ऐसे दबा के रखा है। हम दोनों हम बने तुम बने ऐसे बैठे हैं। अब जहां तक फिर तकलीफ क्या हुई, माँ क्यों तू नाच किए वो तो बता, क्यों मेरे को ये कहानी बता रही है, परेशान कर रही है। अरे सुन तो सही रे मेरी बात बेटा, ये सब ठीक था उस दिन, मेरे को परेशानी हुई जिस दिन ये मौड़ी चले गया। कहाँ चले गया? दिवाली का दिन था, काली चौदस का रात, और मौड़ी में घंटा कर्ण महावीर का कोई डमरू बजा रहा है, कोई भेरी बजा रहा है। उधर दिवाली में दौर चल रही, बुद्धि सागर जी महाराज साहब द्वारा स्थापित घंटा कर्ण महावीर के विश्व में महिमा न्यारी, और वहां देखते ही अजय कटारिया को लगे कि हाई रे ये फोटो नहीं ले जाए तो अपना जन्म ही सफल नहीं। अब पद्मावती कह के वो वहां फोटो खरीद रहा ने, यहां मेरे हाथ पैर हिल गए। क्यों? मुझे तो मालूम है कि ये कोई गोखला नया बनाएगा नहीं, जो भैरू के साथ किया वही घंटाकर्ण महावीर के साथ भी करने वाला है। लेकिन मैं विचार में पड़ गई कि जब 12 इंच का ही गोखला है और हम पहले ही 12 में फिट हो चुके हैं, अब ये क्या करेगा। मेरे को तो पसीना निकल रहा है क्योंकि दूसरा गोखला भी नहीं है, जगह भी नहीं है। लेकिन हाय रे जुल्मदार समाज, जैसे ही लाया घर में घुसा, मेरे को बीच में से धक्का मारा, 3 इंच उसको अंदर घसोड़ा, 3 इंच इसको अंदर घसोड़ा, 12 इंच में 18 इंच घुसेड़ के दिखा दिया ये संसारी। उससे क्या हुआ मां, तेरे को क्या परेशानी? अरे वसंत विजय मार दूंगी तुझे, सुन मेरी बात। मेरी बात तो पूरा सुनता नहीं ना, बीच बीच में बोलता है। जब भी ये भैरव को खुशी होती है ये डमरू उठाता है, ये मैं तो अंदर फंसी हुई हूं, मेरे ऊपर डमरू मारता है तो मेरे इस कंधे में लगती है, उससे बचने के लिए मैं ऐसे करती हूं। अब उसको खुशी होती है तो वो तीर साधता है, तो वो तीर मेरे कंधे में छूती है, उससे बचने के लिए मैं ऐसे करती हूं, दोनों से बचने में ऐसे ऐसे कर रही हूं। और तू बोलता है कि मैं डांस करती हूं, मैं डांस नहीं कर रही हूं। जुल्मदार संसार के मनुष्यों से बचने के लिए स्वयं को बचा रही हूं, नहीं तो कभी मेरे को तीर मार देता, कभी मेरे को डमरू का घात हो जाता। मैं इतनी बड़ी इंद्राणी संसारियों के इस बहुत बड़े जुल्म में फंस करके ना बाहर जाती हूं, ना मेरे को समुद्र में फेंक रहे हैं, ना घर में व्यवस्थित हवादार जगह दे के मेरे को शांति दे रहे हैं, मेरे को ऐसे फंसा के मारा कि मैं क्या जैकुलिन फर्नांडीज, क्या ऐश्वर्या राय, उनसे भी आगे चल के हिलना पड़ रहा है। मेरे को ये हालत है। कौन बोल रही है? तो अब समझ लेंगे कितनी मूर्ति रखनी है। इसे ज्यादा कुछ अब मूर्ति कितनी रखनी चाहिए न, कैसे रखनी चाहिए न, क्या करनी, सबका एक कहानी में समाधान हो गया है।